सजीव और निर्जीव, लाइफ, ये निर्जीव से बने हैं सजीव, मतलब कि लिविंग एंड नॉन लिविंग। पूरे यूनिवर्स में दो तरह के ही क्रिएचर्स मिलती हैं, जैसे कि एक तो पदार्थ हो गए और दूसरे जिनमें जीवन हो गया। तो जो निर्जीव होते हैं, ये अभी ये भी निर्जीव है क्योंकि पौधे से तोड़ लिया है, ये पौधा क्योंकि ज़मीन से अलग कर दिया है तो ये वाटर नहीं ले सकता, तो इसमें भी लाइफ प्रोसेस बंद है, तो ये भी निर्जीव हो गया और ये भी निर्जीव है। लेकिन इसके अंदर जो बीज हैं, सीड हैं, वो सजीव ही रहे हैं अभी, क्योंकि उनके अंदर एम्ब्रियो है जो आगे जाकर एक प्लांट को जन्म दे सकता है। तो जो बीज हैं, जो सीड हैं, जो प्लांट को उगाने लायक हैं, उनको सजीव कहेंगे। अब ये जैसे ये फ्लावर है, इसमें एक्चुअली की सजीवता आती कैसे है, कहाँ से आती है? अब इन जो बीज हैं, जब जो नया पौधा बना सकता है, अगर हम इनको पानी में भिगा दें तो ये नया प्लांट बना लेंगे ना। इस इट मीन्स कि ये सजीव हैं, मतलब इनमें लाइफ है, लेकिन इसमें लाइफ नहीं है, क्योंकि इसको कितने भी ज़मीन में लगा दो, पानी में डाल दो, इसमें कुछ नहीं होने वाला, इससे कोई नई लाइफ नहीं आने वाली है। ये प्रिजर्व कैसे रहती है सजीवता इनमें? जैसे ये हैं, यहाँ पर होती है ओवरी, ये अंदर, और ये होते हैं सारे के सारे परागकण, ये। तो जब इस यहाँ से परागकण या पोलन ग्रेन अंदर ओवरी में जाता है, तो दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते हैं और एम्ब्रियो बन जाता है, और फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट से लाइफ ओरिजिनेट हो जाती है। तो ये लाइफ आई कहाँ से? लिविंग थिंग बनी, बनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हुए कैसे? क्योंकि सभी एटम्स से बने हुए हैं, क्या लिविंग और क्या नॉन लिविंग, ये सब एटम से बने हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए उसमें एक पहले एक सपोज ये न्यूक्लियस है एटम का, और ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स होते हैं ना, जो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, वो है। इसमें होता क्या है, हम एज्यूम कर लेते हैं ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो ये इसमें ऑब्वियसली इसमें इनमें अट्रैक्शन हो जाएगा, और ये इसमें प्रोटॉन के साथ ये न्यूट्रॉन रहता है, इन दोनों को मिलाकर न्यूक्लियॉन बोलते हैं, और ये न्यूक्लियॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एटम्स हैं, इतने सारे तरह के एलिमेंट्स हैं, तो ये इनके कॉम्बिनेशन से कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे एटम भी डिफरेंशिएट होते चले जाएंगे। उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, और ये भी इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, ये कभी कभी ज़्यादा कम, ये कभी कभी ज़्यादा हो सकते हैं, थोड़े से न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। तो ये बनाते हैं न्यूक्लियस। तो जैसे कि इसके अंदर हम सपोज कि कार्बन, कार्बन का न्यूक्लियस है ये, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, क्योंकि डेफिनेट है, जब जिनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उस पे नहीं, ये देख लेते हैं कि कार्बन के अंदर ये हो गए 6 प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसको एटॉमिक मास भी कहते हैं ना। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, और इन दोनों को अगर जोड़ के देखेंगे, इनका वेट करके, तो दोनों ये मास, एटॉमिक मास बन जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये न्यूक्लियस बन गया,
अपोजिय न्यूक्लियस बन गया। और ये जो ये न्यूक्लियस में तो होते नहीं है, ये क्या इलेक्ट्रॉन, जब यहाँ पर ये एक प्रोटॉन पड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन इनमें एक अपोजिट फोर्स होने की वजह से यहाँ ऐसे 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 चक्कर लगाने लगता है ये ऐसे। और एक ही एक इनका एक डेफिनेट पाथ होता है, ऐसे नहीं, तो उस पाथ को या उस एक सर्कल को जो ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है जिस रास्ते जिस पाथ में, उसको ऑर्बिट कहते हैं। चार होते हैं KLMN, तो सबसे पास वाला न्यूक्लियस के पास वाला K, फिर LMN, और ऐसे ही भरने भी शुरू होते हैं सीक्वेंस। ऐसे नहीं कि ठीक है यहाँ पर ये न्यूक्लियस बन गया अब कहीं भी इलेक्ट्रॉन चिपक जाएगा, नहीं, सबसे पहले ये जो दो है सबसे फर्स्ट वाला ऑर्बिट है इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही होंगे। एटम कोई भी हो वो हमेशा, इनका भी एक डेफिनेट होता है कि 2, 8, 8, 18 ऐसे होता है। तो यहाँ पर KLMN ये ऑर्बिट्स जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे एटम्स वैसे वैसे अलग बनते चले जाएंगे। तो अगर हम कार्बन का पढ़ते हैं तो उसकी वैलेंसी, जैसे कि मान लिया ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया और इसमें चारों तरफ ये ऑर्बिट हो गया फर्स्ट ऑर्बिट के, इसमें दो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कार्बन C इज इक्वल टू 6, तो आउटर मोस्ट दूसरे वाले इसमें कितने रह गए, जिसमें कि 8 होने थे, लेकिन क्योंकि इसमें टोटल ही 6 हैं, 6 प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में है, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन इससे इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो फर्स्ट में एक नियम के अनुसार 2 आ गए इलेक्ट्रॉन, 4 बज गए, तो दूसरी में 4 ही रहेंगे, क्योंकि अब 4 और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, तभी तो ये एक स्टेबल स्थिति पाएगा। और तब तक ये एक्टिव भी रहते हैं जब तक कि इनकी ये कक्षाएं पूरी, या तो ये इसको छोड़ दें या फिर गेन कर लें। और जब दोनों ही स्थिति पॉसिबल ना हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही किसको तो चारों देगा और कौन इसको चारों देगा, तो इसका मतलब कि ये कोवेलेंट मतलब साझा कर लेते हैं। तो ये जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनेगी उसके लिए क्या होगा कि 4 जो पूरे कर दे। अब ऑक्सीजन की होती है 2, तो अगर ये ऑक्सीजन है सपोज, तो ये बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2। अब इसका 2 इसके और 2 इसके, तो ये 8 हो जाएंगे पूरे यहाँ पर, तो कोवेलेंसी हो गई इनकी। अब यहाँ CO2 बन गया। अब हमने मान लिया कि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट और इसके उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है कक्षा में, इसमें की वैलेंसी 2 है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यहाँ पर ये बन गई हाइड्रोजन, ये बन गई कार्बन डाइऑक्साइड, एटम्स बन गए। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन किसी लाइफ को जन्म दे सकती है? हाँ, कुछ कंडीशंस में, जैसे मान लिया कि क्लोरोफिल हो, तो अभी जैसे देखें कि इस सीड में एम्ब्रियो है, ठीक है, क्योंकि अभी देखा था ना उसमें ओवरी और वो पोलन ग्रेन्स या परागकण होते हैं पौधे में, और उसमें फिर ये इसमें एम्ब्रियो बन जाता है। तो इसको अगर पानी में और मिट्टी में डालेंगे तो ये इसमें से वो प्लांट निकल जाएगा, और प्लांट निकलेगा तो फिर ये क्लोरोफिल होता है, ग्रोथ भी करेगा रिस्पिरेशन भी करेगा। ये क्लोरोफिल प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से मिल ही जाती है, और सनलाइट सन से आ जाती है। तो क्लोरोफिल की क्या खूबी है कि उसकी जो रेज आती हैं
वो इस वाटर को, ये तो जो क्लोरोफिल है वो तो उन रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल में और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन आयन में, सॉरी, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में टूट जाते हैं। इट मीन्स कि अब फर्दर कुछ नया प्रोडक्ट बन सकता है या कुछ भी आगे, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में आ गए हैं। अब ये चीज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती, सनलाइट भी मिल जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकता है और वाटर भी लेता है, लेकिन उसमें क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है जो कि सनलाइट को ट्रैप कर सकता है और वाटर मॉलिक्यूल को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है, वो ये जितने भी हेटरोट्रॉपिक हैं या दूसरों खाना खाने पर डिपेंड हैं, ऑटोट्रॉपिक नहीं है, बस यही डिफरेंस है। अब ये है कि इतनी लाइफ ये आई कहाँ से, बनी कैसे, शुरुआत कैसे हुई, तो ये सभी सब कुछ तो एटम से ही बना है ना। अब इसने क्या बनाया, यहाँ पर जब ये अलग हो गए तो इसने ग्लूकोज बना दिया, C6H12O6। अब वो तो बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, ATP की फॉर्म में एनर्जी अब जमा हो जाती है। तो अब उसको देखने के लिए जो एटम्स हैं, बहुत सारे एटम हैं लेकिन कुछ नेम कुछ मिलकर सर्टेन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, सीक्वेंस बना लेते हैं। तो DNA में सीक्वेंस होती है न्यूक्लियोटाइड्स की, न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, और यूरेसिल होता है RNA में, तो वो भी तो एटम्स से ही मिलकर बने होते हैं ना। तो इसमें एटम ने एक सीक्वेंस से जीन्स बना दिया, ये जीन्स ऐसा है कि अगर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे किसी भी निर्जीव वस्तु के, किसी भी निर्जीव चीज़ पे इसको पड़ा रहने देंगे तो ये पड़ा ही रहेगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा, कितने भी लाखों वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये कभी कुछ चेंज इसमें होगा ही नहीं। इसको लिविंग और नॉन लिविंग या फिर सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, क्योंकि अगर वायरस इन्फेक्ट कर देता है किसी भी वजह से, किसी भी तरीके से, ये कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट हो या एनिमल हो, डिपेंड करता है कि वायरस किसको इफेक्ट करता है, तो अगर इसके कांटेक्ट में आ जाए लिविंग थिंग तो ये इसके अंदर रिप्लिकेशन शुरू कर देता है और ये संख्या में बहुत सारे हो जाते हैं, और इसकी जो सेल्स हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं, से रिप्लिकेशन के लिए चाहिए प्रोटीन चाहिए जीन, ये क्योंकि अपने ऊपर कोट भी बना के रखता है, ये प्रोटीन कोट बना लेता है, तो किस सेल को नष्ट करता रहता है और ये संख्या में इनकी वृद्धि होती रहती है, और ये बहुत जल्दी से वायरस कंट्रोल में नहीं आ पाते क्योंकि इन जीन्स, ये जीन्स ही प्रोटीन कोट बनाते हैं अपने चारों तरफ, जो कि जल्दी से इसकी एंटीबायोटिक या ऐसी कोई दवाई नहीं बन पाती जो कि किसी बैक्टीरिया की बना लेते हैं, क्योंकि ये ट्रू वॉल है, ये ट्रू वॉल है, तो इसकी इसको अगर किसी एंटीबायोटिक का असर ऐसे हो जाएगा, ये वॉल गल जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है और बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं इस तरीके से। अगर हमने ये सपोज बैक्टीरिया है ये, और ये एंटीबायोटिक है, तो क्योंकि ये ट्रू वॉल है इसकी, तो इसमें ये डिजॉल्व हो जाएगा, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये कंट्रोल हो जाते हैं बैक्टीरिया, लेकिन वायरस कंट्रोल नहीं हो पाते इस कोट, प्रोटीन कोट की वजह से, जो ये खुद ये जीन्स ही बनाता है इसको। तो इनके लिए बहुत तरह तरह की वैक्सीन्स और बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो अब ये एटम्स के एटम्स से सीक्वेंस बनी, और सीक्वेंस ऐसी बनी कि नगे उसमें अगर नॉन लिविंग में है तो पड़ी रहे, और अगर लिविंग के टच में आ गई तो ये फिर डिवीज़न वगैरह शुरू कर देती है। तो लाइफ तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी शुरू हो चुकी है, तो नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बन रहे हैं, अब वही इसमें फिर
आगे इनमें सीड, सीड से ये, और क्योंकि वो अगर एक सीक्वेंस आरएनए की बन गई, फिर डीएनए की सीक्वेंस बन गई, उसके बाद सेल बन गई, सेल वॉल बन गई, सेल वॉल ग्लूकोप्रोटीन की बनी होती है, तो और उससे क्या बने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बने। अब प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं? प्रोकैरियोट होते हैं कि जैसे अभी हमने ये कोई डीएनए सीक्वेंस है मान लिया, ये किसी सेल में है, ये कोई जैसे सेल बन जाती है, सेल वॉल बन जाएगी, तो अगर ये इसके चारों तरफ कोई पर्टिकुलर कवरिंग नहीं है, ये किसी न्यूक्लियर एनवलप होता है ना यूकैरियोटिक में, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ये सेल में ऐसे फ्री ही है, तो इसको कहेंगे प्रोकैरियोटिक। ना तो उसमें सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे और जैसे कि ये एक सेल और इसके अंदर ये एक जीन सीक्वेंस या जेनेटिक मटेरियल, पर इस खुद के चारों तरफ कुछ नहीं है, ये सेल वॉल है मान लिया, ये सेल वॉल है और इस सेल वॉल के अंदर ये डायरेक्ट ये है, पर इसके अपने ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है, इसमें कोई सेल ऑर्गेनेलीज भी नहीं है, ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक हो गए। अब यूकैरियोटिक कौन से हो गए कि मान लिया यूकैरियोटिक हैं, जैसे कि इनकी अगर सेल देखेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो हायर हैं थोड़े, मोस्टली ऐसे ही हैं, इनकी जो सेल होती है उस पे सेल के अंदर सेल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और